नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कसम कहानी। तीसरी कसम कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनका जन्म अररिया जो बिहार में है के फारबिसगंज में 4 मार्च 1921 में हुआ था। इनकी शिक्षा भारत और नेपाल दोनों देशों में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 में नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसके अनुसार समाज के यथार्थ का चित्रण हूबहू करना होता है। उनका उपन्यास मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके अलावे पड़ती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि तथा कहानी संग्रह में एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, वन तुलसी की गंध, नेपाली क्रांति कथा आदि। इनकी मृत्यु हुई 11 अप्रैल 1977 को। तीसरी कसम असल में मारे गए गुलफाम नाम से लिखी गई थी। इस कहानी की प्रभाविकता के कारण इसके आधार पर फिल्म बनाई गई तीसरी कसम के नाम से। आइए अब कहानी का सारांश हम देखते हैं। कहानी के केंद्र में है गाड़ीवान हीरामन, जो बैलगाड़ी चलाता है और जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और जो विधुर भी है, और अब उसकी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि भाभी की जिद है कि जब भी शादी करेंगे तो किसी कुंवारी लड़की से ही करेंगे, यानी 6-7 साल की कन्या के साथ। इस बात पर हीरामन किसी भी भांति तैयार नहीं होता है। हीरामन समझता है कि शादी करके कौन अब मुसीबत मोल लेगा, इसलिए कोई उम्मीद भी नहीं बची है कि वो शादी करेगा। हीरामन 2 बार बुरी तरह मुसीबत में फंसते फंसते बच पाया है। एक बार चोर बाजारी का माल लाद कर और एक बार बांस की लदनी करके, और अब उसे कोई कितना भी पैसों का लालच दे वह डिग नहीं सकता, क्योंकि 2 बार उसने मुसीबत में फंसने की वजह से कसम खा ली कि मैं कभी भी अब इन दोनों चीज़ों की लदनी अपनी बैलगाड़ी में नहीं करूँगा। पर इस बार कुछ अलग बात हुई और गांव में नौटंकी की कंपनी आई और उसे उस नौटंकी की एक लैला बनने वाली हीराबाई को स्टेशन से कंपनी पहुंचाना था। वह झट से तैयार हो गया। रास्ते में लंबे सफ़र में हीरामन और हीराबाई के बीच मधुर संबंध बन जाते हैं। हीराबाई उसे एक ही नाम होने के कारण मीता कहकर पुकारती है, और शहर की स्त्री और उसके रंग रूप, तरीका, मधुर स्वर और अपनत्व को देखकर हीरामन मित्रता से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़कर एक आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो जाता है और उस पर अपना अधिकार समझ लेता है, और दूसरे पुरुषों को हीराबाई के प्रति लोलुपता दिखाता देख अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता और वहाँ से गांव चला आता है बिना हीराबाई को बताए, क्योंकि हीराबाई के अपनत्व को अपने प्रति उसकी आसक्ति समझने की भूल वह कर बैठता है, और यही उस भोले भाले और सीधे ग्रामीण को ठेस लगती है और वह कसम खाता है कि अब किसी कंपनी की बाइक को अपनी गाड़ी पर कभी नहीं बैठाएगा। कहानी का अंत पाठकों के अपेक्षानुकूल ही हुआ है, क्योंकि पाठक जानते हैं कि कल्पना और हकीकत में काफ़ी फर्क हुआ करता है। इस नाम से हिंदी की बहुचर्चित फिल्म भी बन चुकी है। राज कपूर और वहीदा रहमान अभिनीत यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। इसके निर्माता हैं शैलेंद्र, निर्देशक है बासु भट्टाचार्य, और यह फिल्म 1966 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह यह कहानी तीसरी कसम, जो मारे गए गुलफाम का नाम बदलकर तीसरी कसम रख दिया गया था, यह फिल्म दर्शकों पर और पाठकों पर दोनों पर अपनी काफ़ी गहरी छाप छोड़ जाती है। इस तरह यह कहानी, अब इसका सारांश समाप्त होता है।
हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। अगर इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।